सुनील और मेरा गांव बेरल है, हमारी तहसील है जो बिलावर है और हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ और हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। और ये देखिए हमारे गांव में हम बारिशें चल रही हैं और इतना पानी आ रखा है हमारे गांव में और हम कहीं ना पार जा सकते हैं ना हम हमारे लिए गांव में कोई आ सकता है, बट देखिए फिर भी हम यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसा हमारे लिए बिल्कुल एक तरह का नरक ही है ये, क्योंकि हमारा गांव पूरा एक तरह का आइलैंड है और पूरा ये पूरा इलाका जो हमारा देखो पूरा पानी भरा पड़ा है। हम कहीं जा भी नहीं सकते, इस गांव से बाहर भी नहीं जा सकते, ना ही कोई अंदर आ सकता है हमारे गांव में। देखिए हमारे गांव में ये 2006 से बने पिलर्स हैं, 2006 से, और इसके बाद इसके लिए इतना फंड आया होगा, फिर भी ये फंड इसके लिए यूज नहीं हो पाया। क्यों पुल बना दीजिए, बट ये गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हमारा गांव जो डैम में आने वाला है, क्योंकि यहां पे एक नया डैम प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है हमारे बिलावर में, तो उस कारण से ये गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे लिए यहां पुल बनाना इनके लिए असंभव है। क्योंकि क्यों पॉसिबल है, क्योंकि उनका डैम में आ जाएगा और उनका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डैम को बनने के लगभग 12 साल लगेंगे, डैम को मिनिमम बालकोनी बनाना चाहते हैं, तो गांव वालों के लिए कुछ ना कुछ फंड का अरेंज करें कि ताकि वो गांव से बाहर अपने गांव घर बनाना अभी से स्टार्ट कर दें, नहीं तो हम इस गांव में कैसे रहेंगे। और देखिए ये पानी 5-6 दिनों से आ रखा है ऐसा पानी, और हमारे गाँव के बच्चे ना ही पार जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि हमारे गाँव में तो एक स्कूल है, वो भी मिडिल स्कूल है, बट हमारे गांव वाले कहां जाएंगे पढ़ने के लिए बच्चे, और ये उनका कैसे बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहेगा। और ये गवर्नमेंट अभी तो नई गवर्नमेंट बनी है, वो यही कहती है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, पर किस तरह से पढ़ेगा, उनको पूछे कोई कि हमारा गांव वाले बच्चे जाएंगे कहां पढ़ेंगे क्या, और 10 दिनों से उनका सिलेबस पीछे रह गया, वो कौन पढ़ाएगा उनको, और टीचर्स क्या करेंगे उसके लिए। और ये और अगर कोई बीमार पड़ जाता है हमारे गांव में, तो वो कैसे उसको ठीक होगा ना। मैं फिर से अपने गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि हमारे लिए कुछ कीजिए, क्योंकि 10 से 15 साल इस नर्क में रहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और आपको भी बट हमारे लिए ऐसा सोचता कोई नहीं है, और हमें ताकि हमारे गवर्नमेंट हमारे लिए पुल का अरेंजमेंट कर दें। हमारे जरूरी नहीं है कि आप पुल के लिए सीमेंटेड पुल करें, हमारे लिए आप केबल ब्रिज भी बना सकते हैं जो कम पैसों से है, या फिर हमारे यहाँ पे हमें यही चाहता हूँ कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए कुछ सोचे और हमारे गांव के लिए भले के लिए कुछ करे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिक सिंह है। और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पालन में। और आप लगभग इस महीने में कितनी बार स्कूल गए हो? 4-5 दिन। आप इतने दिन क्या करते रहे घर पे? पानी से वजह से नहीं जा पाए। मतलब लगभग आपके गांव में क्या चाहते हो कि आगे मुझे पढ़ना है या फिर ऐसे ही रहना है? पढ़ना है पर पानी से वजह से ना जा नहीं पाते। तो आप क्या चाहते हो गवर्नमेंट से, आपके लिए क्या करें वो? हमारे लिए पुल बना दें। गांव वालों की तरफ से अपने जो हमारे बिलावर के एडिशनल डीसी सर हैं, हमारे कठुआ के डीसी सर हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आप आए एक बार हमारे गाँव में और हमारे गाँव में देखें कि हमारे गाँव में हमारे लोगों को कितनी मुश्किलें आ रही हैं इस गांव में रहते रहते, और हमारे आपके हमारे हमें कुछ ना कुछ हमारे लिए हल के लिए सोचें कि आप क्या कर सकते हैं हमारे गांव के लिए, क्योंकि अभी डैम बनना अभी 15 साल उसके लिए भी मिनिमम लगेंगे, और इतने देर तो कोई भी गांव वाला यहां से गांव छोड़ के जाने वाला नहीं है, क्योंकि इतने साल हो गए फिर भी हमारे गाँव वाले